झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आईएएस राजीव अरुण हेक की बर्खास्त करने और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यह ऐसी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने आईएएस राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करने की मांग की है। पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए राजीव अरुण एक्का मामले में। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच ये है कि हम लोगों को काम नहीं दे रही है, सच्चाई ये है। और पदाधिकारी पे आरोप लगा देते हैं, आप कितने दूर से दूल्हे हैं भाई? रघुवर दास के समय में क्या नहीं हुआ? सारे घोटाले तो हमको लगता है उन्हीं के क्रियाकाल में हुआ, तो जांच करा लीजिए। और जांच कराएगा तो हम लोग नहीं, हमारी सरकार नहीं फंसेगी, पूर्व की सरकार ही फंसेगी, यही लोग फंसेंगे। आप सरकार में जांच क्यों नहीं करा रहे? आप सरकार में जांच कराइए तो सीबीआई हम लोग जांच करा सकते हैं क्या? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।